खुद आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू क्योंकि आपको मैं देखता रहता हूँ ऑन नेट। पाकिस्तान में दूसरी तीसरी शादी जो है वो एक बहुत बड़ा अजाब है, पैसे लाखों में कमा लेते हैं। जो फेवरेट किताब है वो कातिल कौन है, उस पर मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने उसी जमाने में ये लिखा था द पार्टी इज ओवर। मैं समझता हूँ कि ये हक ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि किसी वजीर आजम को नायल करार दे। अगर एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती तो परवेज लाई भी शायद टूट जाते। इमरान को डिमोलिश करने में, इमरान को कमजोर करने में, इमरान की पार्टी को जिस नहज पर आज पहुंची है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल है। ज्यादा ये कह लें कि नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की मर्जी का होगा। आपका जो मशहूर जुमला है, क्या ये खुला तजाद नहीं, ये इत्तफाकी था या ये कोई प्लान था? डांसर थी कोई, उसका सबसे टॉप नरगिस का भी गया या दिलदार का, दीदार का गया। आसिफ जरदारी साहब जो है वो बिल्कुल फर्क है, वो दोस्तों के दोस्त है। नॉन पाकिस्तानी भी किया, ईरानी सदर का किया था। कभी अच्छा टाइम आ जाता है, कभी बुरा आ जाता है, कभी हमें हुकूमत मुखालिफ समझने लग पड़ती है, कभी हामी समझने लग पड़ती है। सबको ही सुनता हूँ और बड़ा मजा लेता हूँ। मैं शिया उलमा को भी सुनता हूँ। एक राइटर है आजकल इसराइली है वो, लेकिन उनके बड़ा टॉप पिच ट्रेंड चल रहा है उनकी किताबों का। छोटे बच्चों को मुलाजम नहीं रखना चाहिए, ये हमें खासकर पढ़े लिखे लोगों को इस चीज का शऊर होना चाहिए। ये हो नहीं सकता लॉजिकली कि 5500 लड़कियों की वीडियो हो। फिर नवाब भुक्ती साहब से जो डायलॉग हुए वो भी बड़े दिलचस्प थे। नवाज शरीफ साहब के साथ तो पहले ये सूरत हाल थी कि मैं उन 15 साफियों में शामिल था कि जिनको वो निकलवाना चाहते थे जंग से। चार पाइयों पर हम लेट गए, मैं और इमरान खान, और हमने वहां पे सब्जी और कढ़ाई गोश्त खाया। हम तो परेशान हो जाते हैं अगर कोई बायकॉट करता है हमारा या हमें लिफ्ट नहीं कराता। अब भी अगर पाबंदियां होंगी तो आप देखें इमरान खान की खबर हम ही छापेंगे। कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, वाह इस गली के दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं, तुम समझते हो बिछड़ जाने से मिट जाता है इश्क, तुझको इस दरिया की गहराई का अंदाजा नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट पे खुश आमदीद। और आज अगेन मैं एक बहुत बड़ी पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, सहाफत को आप ले लें, आप इसके अलावा उनके जो बुक्स लिखते हैं, ऑथर हैं, फिर होस्ट है, हर तरह की तजियाकारी जिस काम में भी देख लें टॉप पे है माशाल्लाह। इनका एक पूरा बैकग्राउंड है 1985 से लेके प्रिंट जर्नलिज्म में, उसके बाद टेलीविजन पे, और कोई ऐसी शख्सियत नहीं है बड़ी जिसका इन्होंने इंटरव्यू ना किया हो। तो इनके पास बातें भी बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम इनसे वही सवाल पूछेंगे जो ये दूसरों से पूछते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है जनाब सुहेल वड़ाइत साहब। बहुत शुक्रिया जी आफिज साहब, मैं आपका पॉडकास्ट देखता रहता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। आपकी मोहब्बत सर साहब, बहुत शुक्रिया। सर साहब आपके जरा बचपन से शुरू करते हैं, बैकग्राउंड आपका, असल इलाका आपका कौन सा? जी बेसिकली मेरे वालदैन का तल्लुक तो जिला गुजरात से था। अच्छा। लेकिन वो माइग्रेट करके जौराबाद, जिला खुशाब है अब, पहले सरगोधा होता था, जी वहां आके आबाद हो गए। मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, फिर उसके बाद भलवाल में हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, सरगोधा गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने एफए किया, एफएससी की, फिर मैं एफसी कॉलेज लाहौर आ गया, फिर यहाँ मैंने बीएससी में दाखला लिया, पास ना हो सका, और फिर अच्छा। मैंने बीए का प्राइवेट इम्तिहान दिया। अच्छा। फिर बीए का प्राइवेट इम्तिहान दे के मैं एमए इंग्लिश में मेरा दाखला हो गया, और यूं फिर उसके बाद अभी मैं पढ़ ही रहा था तो मैंने सहाफत शुरू कर दी और फिर सहाफत की दुनिया में आ गया। उस वक्त से सहाफत की दुनिया में। और ये सहाफत का सफर आपको शुरू कैसे हुआ? पहली दफा एक्सीडेंट। बाय एक्सीडेंट के हुआ ये कि मैं करना चाहता था सीएसएस। अच्छा। तो किसी ने मशवरा दिया, मेरे चचा थे चौधरी अरशद वड़ाई साहब, तो उनकी मरहूम मकफूर, तो उनके दोस्त किसी ने मशवरा दिया कि सीएसएस करना है तो करंट अफेयर्स के लिए किसी अखबार को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। तो बस मैं वहां ऐसे गया कि बस उसके बाद फिर निकल नहीं सका। निकल नहीं सके हैं। और फिर टेलीविजन में भी जब आप आए तो मेरे ख्याल जब जियो स्टार्ट हुआ था तभी आपने 2002 से। अच्छा, 2002 से। ठीक है। तो आपका ये सफर ओवरऑल जो रहा, इसमें आपने क्या क्या नशेबो फराज देखे या बस शुरू से चले तो बस ठीक ही चलता रहा? नहीं नहीं, बड़े नशेबो फराज। साफी की जो जिंदगी है ये तो हर दिन जो है घटती बढ़ती है, इसमें बड़े नशेब बड़े फराज आते हैं, कभी हुकूमतों से लड़ाई होती है, जी जी। कभी आप दोस्त बन जाते हैं, कभी आप प्राइम मिनिस्टर को मशवरे दे रहे होते हैं, और कभी आप जो है आपको थ्रेट्स आ रही होती है। बिल्कुल। तो ये दोनों दौर देखे हमने। चले इस तरफ भी आएंगे, बाकी गपशप भी लगाएंगे इंशाल्लाह आपसे। तो शादी आपकी फैमिली में की? शादी फैमिली में हुई, हमारी रिश्तेदारी थी पहले तो फैमिली ने ही करवाई, मैंने पहले देखा भी नहीं था बीवी को। अच्छा। शादी वाले दिन ही देखा।
ठीक है, टोटल अरेंज मैरिज थी, टोटली अरेंज मैरिज। और एक ही शादी है आपकी? जी एक ही शादी। अच्छा, कितने बच्चे हैं? एक बेटा। अच्छा माशाल्लाह, वो भी इसी फील्ड के अंदर? नहीं जी नहीं, बेटा अभी अच्छा। पढ़ रहा है अभी, उसका अमेरिका में दाखिला हो गया। अच्छा माशाल्लाह, तो बस इसी महीने अगले महीने जा रहा है बाहर। अच्छा, मैं यकीन उम्र में भी तजर्बे में भी हर चीज में आपसे बहुत छोटा हूँ, तो मैं माजरत खाऊं अगर कोई सवाल ऐसा आपसे कर लूं। मोस्ट वेलकम। तो आप जो सवाल आप पूछते हैं, आपको खूबसूरती में क्या अच्छा लगता है, जिस्मानी हुसन में आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे आंखें अच्छी लगती हैं। अच्छा? मुझे बाल अच्छे लगते हैं, मुझे चेहरा अच्छा लगता है। अच्छा, ओवरऑल अपीयरेंस अच्छी लगती है। कभी आपको ऑफर आई कोई दूसरी तीसरी शादी की खातून की तरफ से डायरेक्टली ऑफर के? नहीं, ऑफर आई लेकिन मेरा समहाउ मैं कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान में दूसरी तीसरी शादी जो है वो एक बहुत बड़ा अजाब है। बहुत यहाँ पे खवातीन बर्दाश्त नहीं करती एक दूसरे को। अरब में तो चल जाता है जी जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ जिसने भी दूसरी तीसरी शादी की है वो बेचारा अजाब नहीं मुबतला रहा, तो इससे अल्लाह बचाए। और पैसे आप कितने कमा लेते हैं? पैसे लाखों में कमा लेते हैं, पहले तो बहुत हजारों में थे। अच्छा, जब नौकरी शुरू की तो 1500 रुपए थे। अच्छा, फिर 3300 रुपए हो गए, उस जमाने में 3300 भी खर्च नहीं होते थे, बहुत ज्यादा थे। अब लाखों में 15-20 लाख कमा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इससे ऊपर भी हो जाते हैं? इससे ऊपर भी हो जाते हैं। अच्छा, और आपका सहाफत के अलावा क्या शौक है आपके, कोई जाती कोई जमीनों का शौक या? जी मेरी हमारी जमीने हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी है, फिर क्या नाम है, शौक मेरा किताबें पढ़ना है, वो तो माशाल्लाह लिखना है, नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गेम वगैरह कोई करते हैं आप? नहीं, कब गेम नहीं, सुस्त हूं बड़ा। अच्छा, गेम नहीं करता। एक्सरसाइज वगैरह नहीं? आपने अभी मेरे पेट की तरफ देखा। मेरा भी यही हाल है, काफी काफी सस्ती है। अच्छा सुहेल साहब, अब हम आते हैं थोड़ा सा बाकी चीजों पे, सहाफत के अंदर आपसे बहुत सारी हमने बातें करनी है। आपने माशाल्लाह बहुत सी किताबें लिखी हैं, एक आपकी किताब मार्केट से गायब कर दी गई थी या कुछ उठा ली गई थी, वो क्या वजह थी उसकी? वो उसका जो टाइटल था उस पर जनरल बाजवा का कार्टून था और नीचे इमरान खेल रहे थे खिलौनों से, ठीक है, तो वो उस पर एतराज उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को था कि ये आपने क्या लिख दिया। वो पूरी कहानी थी उस टाइटल में, ठीक है, और वो आपकी अप्रूवल से ही था जाहिर है टाइटल? जी मेरी अप्रूवल से था, लेकिन फिर हमने कुछ अरसे के लिए वो टाइटल हटा लिया, नया टाइटल दिया, और लेकिन फिर उसके बाद अब दोबारा से उसी टाइटल के साथ दोबारा छप गई है। ठीक हो गया। कातिल कौन, गद्दार कौन, ये कंपनी नहीं चलेगी, बहुत कुछ। आपकी अपनी फेवरेट किताब कौन सी है जो आपने लिखी है? मेरी जो फेवरेट किताब है वो कातिल कौन है, उस पर मैंने बड़ी मेहनत की, 3-4 साल लगाए। वो तो मैं बेनजीर भुट्टो के कत्ल का मुहिमा जो है उसको पूरी तरह से देखा, उनके साथ अपनी मुलाकातें, उनके करीब जो लोग थे उनके इंटरव्यूज, तो वो मैं समझता हूँ मेरा बहुत बड़ा काम है, उस पर बहुत मेहनत की है मैंने। नहीं, काम तो माशाल्लाह आपने जितनी भी किताबें लिखी है सारी रिसर्च बेस्ड है। मुहतरमा से जरा कुछ हम आपसे बात कर लेते, इंटरव्यू के अलावा, इंटरव्यू के अलावा आपकी उनसे कितनी एक इंटरेक्शन थी, कितनी मुलाकातें रही? मेरी बहुत ज्यादा, बहुत कुर्बत थी मुझे। मैं उस जमाने में जो था वो ज्यादा दुबई में रहती थी, तो दुबई जब भी जाना, हम बैरून मुल्क कहीं भी जाते थे, रास्ते में दुबई रुक जाना, आते हुए दुबई रुक जाना, या वो लंदन रहती थी या फिर लंदन में उनसे मुलाकात करनी, तो इस तरह से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहा। कोई यादगार वाक्य आपका उनके साथ? बहुत यादगार वाक्यात है उनके साथ, उनके साथ टाइम, उनके साथ डायलॉग। एक वाक्य बड़ा मशहूर है कि एक दफा मैंने उनको कहा कि देखें आप तो आजकल अमरीका से आपकी बड़ी गाड़ी छीन रही है, तो मुझे कहने लगी नहीं, बात यह है कि ये तो तुम्हें लगता है ना, असल बात यह है कि अमेरिका का पाकिस्तान में एक ही एजेंडा है, दे वांट पाकिस्तान एटॉमिक प्रोग्राम टू टेक आउट, तो हमारी उनसे इस बात पे नहीं बनती। मैं बड़ा हैरान हो गया कि मोहतरमा बज़ाहिर इनका तासुर क्या है लेकिन उनके असल ख्यालात क्या है। और उस वक्त ये बिलावल ये छोटे 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 थे, उनके साथ तस्वीरें हैं बहुत छोटे छोटे। जी जी, तो उस वक्त मोहतरमा का क्या इरादा था, उन्होंने कोई आपसे चीजें शेयर की हो कि बिल्कुल मैं इनको लेके आऊंगी सियासत में, या उस वक्त तो उनको दूर रखती थी और ये हाथ? नहीं नहीं नहीं, उनको साथ जिस कमरे में इंटरव्यू हो रहा था उसी कमरे में बैठ के ये बच्चे पढ़ रहे होते थे। अच्छा। उनके साथ बाज़ुकात एक दो दफा तो इनको साथ भी ले गई, हम भी खाना खाने गए इनको भी साथ ले गई, तो वो साथ साथ इनका भी ख्याल रखती थी। और नवाज शरीफ साहब के बारे में आजकल आप कुछ बात कर रहे हैं कि पनामा वाला जो मामला था, आप कहते हैं कि वो मैनेज था और वो
आप इसको बिल्कुल कन्विंस्ड है इस पे कि आपको लगता है कि सारी चीजें ये मैनेज्ड थी या कहीं ना कहीं? देखो जी, पनामा तो था ना जी, पनामा तो था, पनामा तो था, लेकिन जो मियां साहब के साथ हुआ ये प्योरली मैनेज था। अच्छा। और इसमें जजेस इन्वॉल्व थे, इसमें जर्नैल इन्वॉल्व थे, इसमें जो थी पाकिस्तान की ISI इन्वॉल्व थी, ये सारे इन्वॉल्व थे। इन्होंने उनको नाहक सजा दी और हमें ये पता था कि ये नाहक सजा होने वाली है। मैंने उसी जमाने में ये लिखा था, द पार्टी इज ओवर। अच्छा। और मियां नवाज शरीफ मानते नहीं थे। और मैंने मेरी बल्कि उनसे, मैं ताजिकिस्तान उनके साथ जा रहा था। अच्छा। तो मेरा उनसे ये डायलॉग भी हुआ, मैंने कहा कि आप जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जा रहा। बाद में मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों ये यकीन था कि आप नहीं जा रहे, तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे जजेस पे बड़ा एतमाद था। अच्छा। लेकिन हमें एक एक जज की सारी बैकग्राउंड का सबको पता था कि कौन कहां से डिक्टेट होता है, किसके किससे रबते हैं। तो ये बड़ा अलबिया है, जिस तरह भुट्टो की फांसी या जस्टिस मुनीर का जो फैसला है ये इसी तरह के चंद स्याह धब्बे हैं, जिस तरह का वो फैसला है कि आपने मुल्क के एक पॉपुलर लीडर को जिसने दो तिहाई अक्सरियत हासिल की है, उसको आप चंद नॉमिनेटेड जज जो जो है वो अपने बुगज और गुस्से में वो उसको निकाल दें, जिस तरह भुट्टो को फांसी दे दी। ठीक है, जिस तरह इससे पहले असेंबलियां टूटती रही कि लाखों लोगों की आदर्शों आरजुओं की इससे लोग जो है वो इलेक्ट होके आते हैं, तो उसको चंद लोग बैठ के वो तोड़ दे, ये गलत है। तो इस तरह फिर गिलानी साहब वाला भी आपको लगता है कि वो भी सारा मैनेज? जी, मैं समझता हूं कि ये हक ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि किसी वजीर आजम को नायल करार दे। आईन के अंदर ये लिखा ही नहीं है कि वजीर आजम को इस तरह निकाला जा सकता है। वजीर आजम को निकालने का एक ही तरीका है कि उसके खिलाफ नायली की, उसके खिलाफ जो है तहरीके अदम एतमाद हो। जजेस को निकालने का तरीका दरअसल था, वो बंद कर दिया। अच्छा, वो दर्ज था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएगा, वहां पर सुनवाई होगी, वो बंद कर दिया। खुद अपनी अपने निकालने का तरीके को खत्म कर दिया आइन से, और एक नया तरीका वजीर आजम को निकालने का जो है वो ऐड कर दिया। अजीब बात है। तो इसमें इमरान खान साहब के बारे में फिर आपका क्या, ये तरीके अदम एतमाद ये भी मैनेज थी सारा? नहीं, तरीके अदम एतमाद की डेफिनेटली टेसिट अप्रूवल तो होगी, लेकिन बजाहिर हमें उसमें एस्टेब्लिशमेंट नहीं नजर आई, क्योंकि एक एक पार्टी से राबता किया गया, वो पार्टियां जो है वो शामिल हुई। जी जी, उनको तोड़ा गया, तोड़ा गया, हमें पता है तोड़ा गया। जी जी। और अल्टीमेटली अब कई लोग नहीं टूटे, जैसे परवेज लाई नहीं टूटे। अगर एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती तो परवेज लाई भी शायद टूट जाते, क्योंकि परवेज लाई के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने किसी से पूछा था, तो जिन्होंने कहा कि ना टूटे आप, ठीक है। तो लेकिन बाद के जो वाकयात हैं उसमें डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। बाद के वाकयात में डेफिनेटली इमरान को डिमालिश करने में, इमरान को कमजोर करने में, इमरान की पार्टी को जिस नहज पर आज पहुंची है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल है। और आपको लगता है कि इमरान खान को आउट करना आसान है अगर फ्री एंड फेयर? देखिए, अभी उसका वोट बैंक बरकरार है इमरान खान का, और उसको अभी तक तो इनकी तमाम तर कोशिशें जो हैं वो सवाए चंद लोगों के तोड़ने के वोट बैंक नहीं टूटा। ठीक है, लेकिन जो है अगर इसी तरह ये काम जारी रहा तो लोग बेचारे कमजोर होते हैं, टूट जाते हैं, हल्के हल्के में से लोग टूटेंगे, पहले इलेक्टेबल टूटेंगे, फिर इनको जो है और लोग तरगीब तहरीस। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, उस वक्त भी इलेक्शन वाले दिन कुछ नहीं हुआ था, इलेक्शन से पहले ही सब कुछ हो गया। जी जी, बिल्कुल। और इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं आप टाइम पे? जी, मेरा ख्याल है कि इस वजह से इलेक्शन नहीं होता हुआ देख रहा कि अभी PTI जो है उसका जोर नहीं टूटा। और निगरान वजीर आजम आप किसको देख रहे हैं? नहीं पता नहीं, अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट और शहबाज नून लीग है, इसकी मर्जी का होगा, या ज्यादा ये कह लें कि नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की मर्जी का होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो आजकल हम काफी सुन रहे हैं कि जो निगरान वजीर आजम है वो पोलिटिकल बैकग्राउंड का होगा, नॉर्मली हम ये, मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को ये प्रॉब्लम हो गया है और जायज हो गया, वो समझते हैं कि अगर कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी आ गया तो ये ना हो कि निगरान हुकूमत लंबी हो जाए और एंटी पॉलिटिशियन
काम शुरू कर दे, क्योंकि पाकिस्तान में एक ये रुझान है ना कि जब एस्टेब्लिशमेंट तगड़ी होती है तो वो सारे पॉलिटिशियंस को ही रगड़ देती है, तो जाहिर है इनका ख्याल है कि हमें ना रगड़ा जाए, ठीक है हमारी बचत हो जाए। चलिए अब सर साहब जरा आपके जो सहाफी जिंदगी सहाफत की एक लाइफ है उसके हवाले से बातचीत करते हैं। आपने इतने सारे प्रोग्राम किए, नो डाउट आप पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर है, माशाल्लाह तजियाकार है, वेल एजुकेटेड है, कोई ऐसा गेस्ट है जिसने आपको टफ टाइम दिया हो? जी है ऐसे गेस्ट, चौधरी बसी जफर साहब थे, बहुत कम है लेकिन जैसे बसी जफर साहब थे उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया, और कोई ऐसा नहीं है। बाकी तो आमतौर पर दोस्ती हो जाती है थोड़ी देर के बाद, या शुरू में अगर कोई टफ टाइम दे भी रहा हो तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस किए जाएं, ऐसी बातचीत की जाए कि फ्रेंडली माहौल हो जाए, और आमतौर पर इसमें हम कामयाब हो जाते हैं। वो तो माशाल्लाह नजर भी आता है। और आपका फेवरेट इंटरव्यू कौन सा था एक दिन जियो के साथ में, जिसमें या आपका एक हम कह लें? मेरा ख्याल है मेरे जो मशहूर इंटरव्यू है नवाब अकबर बुख्ती साहब से था, वली खान साहब से था, अजमल खटक साहब से था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से थे, नवाबजादा नसरुल्ला खान से था, बेनजीर भुट्टो से लंदन में था, ये उस वक्त की टॉप लीडरशिप थी, नवाज शरीफ साहब से है, उनसे इंटरव्यूज है मेरे, तो इस तरह ये जो टॉप लीडरशिप है इस सबसे ही अच्छा रहा। फिर एक्ट्रेसेस के जब मैंने शुरू किए तो उसमें भी एक नई लोगों की दिलचस्पी आ गई, पहले जरा 40 साल से ऊपर के लोग देखते थे, फिर नीचे के भी देखने शुरू हो गए। और आपका जो मशहूर जुमला है क्या ये खुला तजाद नहीं, ये इत्तफाकी था या ये कोई प्लान था? नहीं, प्लान था। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी पे ये तंज है कि हमारी सोसाइटी में ये सवाल सोसाइटी से ही किया जा सकता है कि ये खुला तजाद नहीं है, हम सारे तजादात का शिकार है। और एक्ट्रेसेस और या मॉडल्स वगैरह कह लें या क्रिकेटर्स वगैरह, इनके जब आपने इंटरव्यूज किए पॉलिटिशियन से हट के, इसमें आपका सबसे फेवरेट कौन सा था इंटरव्यू? ये देखिए, ये एक्ट्रेसेस के बड़े ही अच्छे रहे, मीरा का, रीमा का बड़े हिट हुए, डांसर्स के इंटरव्यू बड़े हिट हुए, प्लेयर्स के भी हुए, लेकिन ये जो खासकर एक्ट्रेसेस के इंटरव्यू हैं शायद इतने कैंडिड और इतने ओपन सवाल उनसे कभी हुए नहीं, कभी नहीं हुए, बिल्कुल जो आपका फॉर्मेट है वो किसी और का है, इसलिए मेरा ख्याल है कि वो बहुत हिट हुए। और सबसे ज्यादा देखा कौन सा गया रिकॉर्ड पे जो आपके पास हो? मेरा ख्याल एक्ट्रेसेस हैं ये हमारी जो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, मैं अपने प्रोड्यूसर से पूछूंगा, बढ़ते करते रहते हैं। पहले अकबर बुख्ती साहब का लाखों में गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का गया, फिर एक्ट्रेसेस में मेरा ये ख्याल है कि ये जो डांसर थी कोई उसका सबसे टॉप, नरगिस का, नरगिस का भी गया, या दिलदार का, दीदार का गया। जी जी, आपकी सारे पॉलिटिशियंस के साथ ही अच्छी गपशप है, दोस्ती है, सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है एक मतलब पॉलिटिक्स से हट के? सबसे ज्यादा आसिफ जरदारी साहब के साथ है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के साथ है, इमरान खान साहब से भी मैं बहुत मिलता हूँ। अच्छा, तो आजकल भी इमरान खान साहब से आपकी दोस्ती है या आज? ये 9 मई के बाद मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उससे पहले मैं 3 दफा ऊपर नीचे मिला था उनसे, और यही बात की थी कि आप हमें इंडिया अपना जो हमारी पाकिस्तान आर्मी है इससे CBM करें, आप पॉलिटिकल पार्टी से कोई मुजाकरात करें। और आपने इन दोनों में फर्क क्या पाया, नवाज शरीफ और इमरान खान? सब में फर्क है। अच्छा। लेकिन आसिफ जरदारी साहब जो है वो बिल्कुल फर्क है, वो दोस्तों के दोस्त हैं, बड़े खुले दिल के हैं, और जो है कोई उन पे एहसान किया जाए वो भूलते नहीं है, उसको उतारते हैं। नवाज शरीफ भी बड़े फ्रेंडली हैं, वो भी बड़े गहरे हैं, बाजार वो लगता है कि वो बड़े जो है संजीदा मिजाज, नहीं बाजार ये लगता है कि उनको बात समझ नहीं आ रही। अच्छा। या बड़े सादे हैं? अच्छा, नहीं वो सादे बिल्कुल नहीं है। अच्छा। वो बड़े संजीदा हैं, बहुत गहरे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब जो है उन्होंने अपने अब तकरीर के आर्ट में अपने आप को बहुत फन दे लिया है, और बड़ी वो अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन यह है कि वो भी उसी बीमारी का शिकार हो गए जिसका भुट्टो साहब और नवाज शरीफ थे, कि पॉपुलैरिटी जो है उसके जोम में आके उन्होंने जो है वो फौज से बिल्कुल आमने सामने आ गए, जो नहीं आना चाहिए। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में हर वो चीज जो मोटा करे। अच्छा। यानी पुलाव बहुत पसंद है। अच्छा, पुलाव बहुत पसंद है मुझे, मटन बड़ा पसंद है, ठीक है, और हर वो मजेदार चीज जो आप खाते हैं, पाए,
ठीक है, और निहारी, ये सारी चीजें खुद भी कुछ बना लेते हैं आप? नहीं, खुद नहीं। अच्छा, सर तो सर चाय बनाता हूँ, वो भी सेपरेट चाय हो तो मैं खुद बना लेता। अच्छा, जैसे बस दूध ऐड करना हो पानी गर्म करके। और आपने इतने सारे लोगों के जो इंटरव्यूज किए, आपको किसका खाना सबसे ज्यादा पसंद आया? ये खाने बलूची बहुत खाना अच्छा देते अच्छा। हैं। मैं मुफ्ती साहब का भी खाना खाया, सरदार बलख शेर मजारी का के घर जो खाना खाया, मेरे ख्याल उन्होंने अनवाओ अकसाम के खाने जो है वो रख दिए, और वो फिर साबत बकरा जो है वो रखते हैं साथ, और वो खुद ही आपके सामने कोयलों पे बनाते हैं। ठीक है, तो वो बड़ा मजेदार होता है। गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं आप? पहले करता था। अच्छा। बड़ा अरसा सुजुकी एफएक्स ड्राइव की। अच्छा। मैरान ड्राइव की। अच्छा। लेकिन जब से थोड़ी बड़ी गाड़ी आई है तो वो आप जो है वो कंसंट्रेशन नहीं रहती, तो इसलिए ड्राइवर। सबसे पहली गाड़ी कौन सी ली थी और कब ली थी? सबसे पहली मेरी गाड़ी थी क्रोना, टोयोटा क्रोना। अच्छा। तो उस जमाने में वो होती थी मार्क वन, क्रोना मार्क वन। फिर उसके बाद एफएक्स ली, फिर उसके बाद मेहरान ली, फिर हुंडा सिटी ली। उस वक्त तक तो आप चलाई है, उसके अच्छा। बाद से जो जब से हुंडा सिविक आई, फिर दूसरी गाड़ियां आई, फिर खुद चलानी छोड़ दी। अब कौन सी गाड़ियां आपके पास? अब मेरे पास एक है प्रियस है, ठीक है, और एक सिटी है। अच्छा, कोई फॉर्च्यूनर वगैरह जैसे? नहीं, 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 शौक नहीं है या? मुझे असल में जीपों का शौक नहीं है, मुझे कार का शौक है। कार अच्छी लगती है। एक जमाने में मर्सिडीज भी रखी। अच्छा। लेकिन अब मर्सिडीज रखना मुश्किल हो गया, पेट्रोल बड़ा लगता है। चलान भी करवाया कभी? नहीं, चलान नहीं कभी हुआ। अच्छा, ओवरस्पीडिंग नहीं की या पकड़े नहीं गए? नहीं, बस छोड़ देते हैं, अगर कभी कोई गलती भी हो जाए। अच्छा। तो ट्रैफिक वाले बड़ी मेहरबानी करते हैं, पहचान के छोड़ देते हैं, वार्निंग दे देते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया घूमे आप माशाल्लाह, सबसे खूबसूरत जगह आपको कौन सी लगी? मुझे जी इस्तांबुल अच्छा लगा, स्विट्जरलैंड अच्छा लगा, बाकी शहरों में बाकी मुझे बड़ा शौक है बाकी दुनिया में घूमने का। रोम गया, वीनस गया, इस्तांबुल, कोई मेरा ख्याल है बहुत सारी दुनिया घूम ली है, बस मिस्र रह गया है। अच्छा। और यूनान रह गया है। अच्छा, तो ये अब मेरे टारगेट पे हैं, इंशाल्लाह उनको जल्दी देखें। मैं अभी 2-3 दिन पहले होके आया, स्विट्जरलैंड से आया। अच्छा, स्विट्जरलैंड में एक जगह इंटरलाकन। इंटरलाकन मैंने किया। हाँ, इंटरलाकन मैं वो माउंट इटलिस चला गया था। हाँ, तो मेरे पर टाइम शॉर्ट था। इंटरलाकन बहुत खूबसूरत जगह है। और पाकिस्तान में कौन सी जगह आपको खूबसूरत लगी है? पाकिस्तान में झील सैफुल मलूक बहुत प्यारी है। वहां मैं गया तो एक दफा हूँ, क्योंकि वहां जाना बड़ा मुश्किल है, वो जीपों पे ऊपर जाना, तो आप तो शायद जा भी ना सके, वहां इतना मुश्किल है। लेकिन सड़कें बननी चाहिए, वहां रिजॉर्ट बनना चाहिए झील सैफुल मलूक पे, वहां होटल हो कोई तो बड़ा मजा आए। और उम्रे हज पे भी आपका कोई? जी हज तो नहीं किया, उम्रे कई की है। अच्छा माशाल्लाह, तो वहां का एक्सपीरियंस भी जाहिर बात है। तो मैं तो सेप्टेम्बर काफी अरब मालिक में भी गया हूँ, दुबई तो बहुत दफा गया, सऊदीया भी गया, कतर गया हूँ, मस्कत गया हूँ। अच्छा, आपके जो अंदाज है बिल्कुल सादा, यानी नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई भी एंकर है या होस्ट है तो वो कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी बनावट जरा लहजे में ले आए, कोई कैमरे की रिक्वायरमेंट भी होती है कोई इस तरह, तो आपके जो अंदाज है या आपने प्लान किया था कि मैंने बिल्कुल जो है बस वैसे ही बोलना है? नहीं, या हाफिज साहब मेरा जो है ना बैकग्राउंड जी वो है प्रिंट जर्नलिज्म का। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्रिंट जर्नलिज्म जो है, हमें टीवी की चीजें तो आती नहीं थी, हमें ये आता था सवाल कैसे बनाना है, तो मैंने कोशिश की कि उस पर फोकस किया जाए, तो मेरे सवाल जो है वो दूसरों से डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए टीवी प्रोडक्शन मुझे ना पता हो लेकिन मुझे कंटेंट का पता है। जी जी, आप तो खैर टीवी भी थोड़ा बहुत इतने साल 22 साल 21 साल हो गए माशाल्लाह, टेलीविजन में आपका बहुत बड़ा नाम है। खुशाब, आप कितना अरसा रहे? जी मैं रहा हूं 7वीं-8वीं तक। तो वहां की जबान की थोड़ी बहुत आपको सरायकी वहां की किसी हद तक बोली जाती है? नहीं बोली, इसी तरह हमारे वाली जबान बोली जाती है। जी जी, कोई ऐसी नहीं, शहर में जो जहां मैं रहता था वहां इसी तरह जैसे मैं बोल रहा हूँ यही जबान बोली जाती है। सरायकी से कभी कोई नहीं, समझ आती है? अच्छा, समझ आती है। और कोई जबान आती है आपको, यानी पंजाबी उर्दू के अलावा, इंग्लिश के अलावा? वो तो आप जी नहीं, अच्छा वो लैंग्वेजेस नहीं आती है आपको। और स्पेन वगैरह भी मैंने आपके कुछ ऐसा देखा था कि जब आप वहां पे जाते थे ऐसे, तो आप रूटीन में भी कुछ चीजें वगैरह जो है वीडियोस, तो ये आपका खाली आप कंटेंट क्रिएशन के लिए करते थे या आपका शौक है? नहीं, वहां पे मैंने जहाँ के जो हिस्टोरिक मुस्लिम प्लेसेस थी मैं वहां भी गया,
और मुझे शौक है, मैंने इस्तांबुल की भी इसी तरह की फिल्में बनाई हैं, जो अमेरिका का भी, न्यूयॉर्क पे भी बनाई है, सिटीज की भी, सिटी ट्रेवल्स जो है या एक दिन किसी शहर के साथ, वो भी मैंने बहुत से बनाए, 25-30 बनाए हैं। तो ये भी एक जॉनरा है, एक किस्म है कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। नॉन पाकिस्तानी का भी आपने किसी का इंटरव्यू किया? किसी जी नॉन पाकिस्तानी भी किया, ईरानी सदर का किया था। अच्छा, खातमी का। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। उधर जा रहे ईरान जाके जब वो जी 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 किया, इसी तरह अबू जबी के प्रिंस है अल-निहान मुबारक जी जी, उनका किया। और धमकियां कितने दफा मिली हैं आपको पूरे करियर के दौरान? कई दफा मिलती हैं। अच्छा, आप सब इसके आदी हो चुके हैं। बस अच्छा। हमारे पास कभी अच्छा टाइम आ जाता है, कभी बुरा आ जाता है, कभी हमें हुकूमत मुखालफ समझने लग पड़ती है, कभी हामी समझने लग पड़ती है। आजकल क्या समझ रहे हैं आप? नहीं, आजकल ठीक है हालात। अच्छा। आजकल हालात इतने बुरे नहीं है, लेकिन पिछला दौर जो था, खासकर जनरल जहीर और जनरल पाशा का जो दौर था, वो बड़ा टफ था, क्योंकि उस जमाने में जंग जियो से उनकी बड़ी मुखालफत थी जी जी। तो उसकी जद में हम भी आए हुए थे, वो बंद भी रहा, बंद भी रहा, हमारे पीछे फॉलो करते थे, पेपर रोक लिए थे, पेपर पीछे फॉलो करते थे। एक दफा नवाज शरीफ दौर में भी लड़ाई हो गई थी। अच्छा, उसमें भी टफ टाइम हम पर आया था। तो इस तरह होता रहता है। धमकियां किस नौयत की आती है? कॉल वगैरह पे आती है? कॉल आती है। मसलन इस दौर में ये जो जनरल पाशा और जहीर का था, दो तरह की कॉलें आती थी। अच्छा। एक तो गालियां आती थी। अच्छा। कि भाई आप बकवास करते हैं, आप ये हैं, आप मां बहन की गालियां भी नहीं निकालते हैं। और एक आते हैं मुसालती, कि यार ये आप जंग जियो छोड़े परे, आप इस तरह की साफत ना करें, आए आपको नौकरी भी करवा देते हैं, आपको सेट भी करवाते हैं। तो लालच भी दिया जाता है और डराया भी जाता है। आप दुनिया एक दफा मेरे गाड़ी का शीशा तोड़ गए थे। अच्छा। हाँ, तो ये होता रहता है। बस हम भी फिरादी हो गए, डीट हो गए। आप दुनिया न्यूज भी चले गए थे जी जी, और फिर वापस आए। वापसी आने की कोई खास वजह थी? मेरा दिल दिल नहीं लगा, दिल नहीं लगा। सच्ची जो देखने वालों को भी यही आइडिया होता है कि शायद जहां इतने साल गुजारे हैं, अपना घर लगता है। और जो आपने दुनिया के साथ भी एक्सपीरियंस रहा, जियो के साथ भी, इनके जो मालिकान है उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है अपने चैनल्स के साथ? देखिए, ये जो शकील साहब है ना जी, ये तो सच्ची बात है, हमारे उस्ताद है। हमें भी ट्रेनिंग देने में, मैं पर्टिकुलरली, मैं तो समझता हूँ कि बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है। मुझे उन्होंने इंटरव्यू का आर्ट सिखाया, मुझे उन्होंने जब ये एक दिन जियो के साथ शुरू हुआ उसकी इंस्ट्रक्शंस दी। बकायदा करते ये थे कि जिस वक्त प्रोग्राम लगा होता था, एन उसी टाइम उनका फोन आ जाता। अब सामने टीवी पे वो लगा हुआ है, साथ साथ वो बता रहे हैं कि देखें ये देखें ये गलती है, ये इस तरह नहीं करना चाहिए, इसको इस तरह करना चाहिए। तो इस तरह से वो उन्होंने हम सब की ट्रेनिंग की है, जितने जियो जंग के लोग हैं, तो उनका बड़ा रोल है। और जो यंग सहाफी हैं उनमें से आप किसको लाइक करते हैं? मैं सारे यंग सहाफियों को पसंद करता हूँ। अच्छा, फिर भी कोई आपका फेवरेट या जिसको आप समझते हो कि इनका प्रोग्राम मुझे अच्छा लगता है, कोई एनालिस्ट या कोई होस्ट, कोई आपका फेवरेट हो? अगर कोई अगर नाम आप बताएं तो शायद मैं ज्यादा, मतलब जिस तरह शाहज़ेब खानज़ादा का शो, शाहज़ेब का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत पसंद करता हूँ मैं शाहज़ेब, बहुत अच्छे क्वेश्चन करता है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी उसकी गिरफ्त है अपने प्रोग्राम पे। और बाकी ये जो इमरान रियाज खान के हवाले से, मैं बड़ा इस मुझे हमदर्दी है इमरान रियाज से। और आपकी उनसे गपशप या कोई दोस्ती? मेरी मुलाकातें हैं उनसे, लेकिन बहुत ज्यादा कुर्बत नहीं है। तो उनके कुछ स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म से भी मेरा इतना इत्तेफाक नहीं है। एक एक साफी होने के नाते और आजादी इजहार के नाते मुझे उनसे हमदर्दी है, और मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द घर आए और किसी के साथ भी ऐसा सलूक ना किया जाए। बिल्कुल। और उलमा को भी आप डिफरेंट को सुनते होंगे जी जी, फेवरेट कौन है आपके तकरीर की हद तक कह लें या आप? तकरीबन सबको ही सुनता हूँ। अच्छा। खासकर ये जब से ऑनलाइन आना शुरू हुए हैं मोबाइल पर, तो मिर्जा जेलमी से लेके, तारक मसूद से लेके, और जो है क्या नाम है हमारे मौलाना तारक जमील साहब, सबको ही सुनता हूँ और बड़ा मजा लेता हूँ। मैं शिया उलमा को भी सुनता हूँ, अहले हदीस उलमा को भी, इब्तिसाम अली जहीर को भी, इन सब के मैं क्लिप सुनता हूँ। अच्छा। मेरी दिलचस्पी है मजहब में बहुत। अच्छा। और किताबें भी मैं बहुत पढ़ता हूँ, तो वो इनके सबका नुक्ता नजर जो है
सुन के कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और कोई फेवरेट भी है इनमें से आपका या बस सारे ही फेवरेट? सारे फेवरेट, सच्ची बात है, हर एक की कोई ना कोई चीज अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए सच्चा काम है। किताबें आप इतनी सारी पढ़ते हैं, फेवरेट बुक कौन सी आपकी, उर्दू की भी और इंग्लिश की भी? ये मुख्तलिफ बदलती रहती है। मैं मेरा जो फेवरेट राइटर है बॉब वुडवर्ड है, ये अमेरिका में है, जिसने वाटरगेट स्कैंडल तश्तस बाम किया था। तो बाकी मैं जाता हूँ बुक स्टोर पे, जो अच्छी किताबें आई होती हैं वो मैं ले आता हूँ। तो मुख्तलिफ बदलती रहती हैं। कभी जो है वो किसी जमाने में मैं जो था जर्मन हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में बहुत पढ़ता था। अच्छा, वो पढ़ी, ठीक है, फिर अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी। तो अब जो है, अब भी जो पॉलिटिकल बायोग्राफीज तकरीबन सबकी मैं पढ़ता हूँ, वो आप देखेंगे सारी बायोग्राफीज पढ़ी हैं सारी, ठीक है। फिर इसी तरह साइंस पे भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, हरेरी जो है वो नो हरेरी एक राइटर है आजकल, इसराइली है वो, लेकिन उनके बड़ा टॉप पे ट्रेंड चल रहा है उनकी किताबों का। वो उनकी जितनी भी किताबें आई हैं सारी पढ़ी हैं। शायरी में वाकफ, शायरी में इकबाल, फैज, फराज, मुनीर नियाजी। खुद भी कुछ कहते हैं आप? नहीं, मैं सिर्फ सराहता हूँ। अच्छा। मैं नसर का बंदा हूँ। अच्छा। मैं जो है पोएट्री का नहीं। फेवरेट गजल कोई आपकी है, फेवरेट कोई शेर? मैं गुलाम अली की गजलें जो गाई हुई है उनको सुनता हूँ। मैं अनूप जलोटा को सुनता हूँ, गजल के जितने सिंगर हैं मैं उन सबको सुनता हूँ। फोक को भी कभी सुना आपने? जी, फोक को भी बहुत सुनता हूँ, अताउल्ला साहब उनको, और जितने भी फोक है आजकल, तो चूंकि नेट पे हर कोई चीज आ जाती है। बिल्कुल, सारी चीजें सामने अवेलेबल हैं। कोई आपका पसंदीदा शेर जो आपको याद हो? जी, कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली के दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं, तुम समझते हो बिछड़ जाने से मिट जाता है इश्क, तुझको इस दरिया की गहराई का अंदाजा नहीं। ये मेरे प्रोफेसर थे सरगोधा कॉलेज में, खुर्शीद रिजवी साहब, बाद में लाहौर आ गए, ये उनके शशार है। अच्छा, इंडिया भी जाना हुआ आपका? जी, इंडिया भी जाना हुआ। लास्ट कब गए थे आप? अब तो बहुत साल हो गए। अच्छा, दो तीन दफा गया हूँ। अच्छा, किस हवाले से जाना होता था वहाँ? मैं कॉन्फ्रेंसों के सिलसिले में गया हूँ। अच्छा। कोई सैर व तफरी इंडिपेंडेंटली नहीं गया। एक दफा मैं जो मोहतरमा आसमा जहांगीर थी उनके साथ गया, एक दफा एक और कॉन्फ्रेंस थी उस पर गया, एक दफा हैदराबाद जो दक्कन है वहां गया, वहां भी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सियासत अखबार है उन्होंने करवाया था, फिर उर्दू का अखबार है, फिर एक दफा अमृतसर गया हूँ इम्तियाज आलम साहब के साथ। अच्छा, कोई यादगार वाक्य आपको याद है इंडिया का? इंडिया बड़ा दिलचस्प था कि मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था जी, तो उस जमाने में मैं किसी अखबार में लिखता था। अच्छा। बाहर के अखबार में, तो वो मुझे फैक्स करनी होती थी चीजें, तो वो मैं होटल से नीचे उतरा तो नीचे फैक्स जो था ना, एक सिगरेट वाली दुकान थी उसने फैक्स भी लगाई हुई थी, ठीक है, टेलीफोन भी था वहां पाकिस्तान अगर फोन करना हो, ठीक है। तो वो मैं उसके पास जाना शुरू हो गया, तो वो उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ से हो, मैंने बताया सरगोधा से हूँ, वो भी सरगोधा से गए हुए थे। अच्छा। उन्होंने मुझे अंदर दुकान के अंदर ले जाना, अंदर बिठाना, बड़ी खिदमत करनी, खातर करनी, तो ऐसे लगता था कि जैसे मैं इंडिया में नहीं हूँ पाकिस्तान में ही हूँ। तो वो बड़ा अच्छा लगा उनका जेस्चर कि सिर्फ सरगोधा के नाम पे वो दे ओपन्ड एवरीथिंग टू मी, इतना उन्होंने ख्याल किया इस पे आपका। बस दो चार चीजें और हैं, ये अंदाजा है आपकी मसरूफियत का। एक तो ये कि जब आप इंटरव्यू करने जाते हैं, इतने सारे इंटरव्यू, कभी कोई मसला भी हो गया जिस तरह पूरा इंटरव्यू किया हो कि ऑडियो खराब हो गई हो या कोई वीडियो में कोई मसला या वहां कोई और मसला? जी, एक दफा हुआ था ज़हीर अब्बास का, हमने ज़हीर अब्बास क्रिकेटर हैं तो उनका हम कराची में फोन करना, तो उनके इंटरव्यू का एक हिस्सा जो था उसमें जो कैमरा मैन है वो उसका वॉल्यूम ऑन करना ही भूल गया। अच्छा, तो वो बगैर वॉल्यूम के जनरल पे तो वो हो गई, ठीक है, लेकिन हमने कोशिश की जनरल से रिस्टोर करने की लेकिन नहीं हुई। तो इस तरह हो जाता है। और कोई इंटरव्यू ऐसे भी था जिसमें कोई ऐसी बात हो आपको कॉल आई हो कि ये काट दीजिएगा? ये आता रहता है। अच्छा, ये होता रहता है, लेकिन वो देखते हैं हम के उसकी कितनी कोई किया, कोई तो अगर उनकी जेन्युइन बात है तो वो हम मान लेते हैं, लेकिन अगर प्रोफेशनली वो ठीक नहीं कह रहे तो फिर नहीं मानते। ठीक है।
और अभी रिसेंट जो एक दो वाकया था उस पर आपकी राय लेना चाहूंगा, आप वैसे भी यकीन उस पर बात करते रहते। एक जो बच्ची पे तशद्दुद हुआ है, बड़ी ज्यादती है सोसाइटी में। मैं तो खैर इस बात का कायल हूं कि खास कर जो ये 13-14 साल या 12 साल की बच्चियां घर में रखना ये है ही गलत। छोटे बच्चों को मुलाजम नहीं रखना चाहिए। ये हमें खासकर पढ़े लिखे लोगों को इस चीज़ का शऊर होना चाहिए कि ये बच्चों के पढ़ने का टाइम है। आप उन्हें मुलाजम रख लेते हैं 100 रुपए पे, और उसकी ये ठीक है कि उसके घर वालों की इमदाद हो जाती है और उन्होंने वैसे भी नहीं पढ़ाना, लेकिन कम अज कम आप इस जुर्म में तो शरीक ना हो। और फिर आप उन्हें घर पर रख के उन पर तशद्दुद करते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादती है। आपको लगता है कि कार्रवाई हो पाएगी या इस तरह के लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता? नहीं, देखिए सोसाइटियों में इसी तरह, इंग्लैंड में भी एक जमाने में इसी तरह मुलाजम रखने का रुझान था, अब कोई नहीं है। अब तो अल्टीमेटली यहां भी खत्म हो जाएगा ये, जो जो गुर्बत खत्म होगी तो आप देखेंगे कि कोई भी नहीं मुलाजमत करना चाहता घरों पर। हमारे मैं एक देहात से मेरा तल्लक है, मेरी फैमिली जाहिर है गांव से है, तो पहले एक जमाने में हमारे गांव में बहुत कमी होते थे, कमी ये होते थे कि वो हर वक्त आपके घर के काम करते थे। अब ऐसा ऐसा वहां वो लोग अवेलेबल नहीं रहे, वो शहरों में जाके मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं और अपनी कमाई करते हैं। पहले वो बेचारे आप लोगों के रहम करम पे होते थे। आपको लगता है कार्रवाई हो पाएगी या आमतौर पर बड़े लोग एंड पे सुलह सफाई हो जाएगी? इस पर दबाव होना चाहिए, दबाव डालना चाहिए सोसाइटी को कि ये कार्रवाई हो ताकि लोगों को आइंदा सबक मिले कि ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। और दूसरा वाकया जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर वाला बहुत बड़ा स्कैंडल है, देखिए उसमें मुझे ये लगता है कि कुछ तो चीजें बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। ये हो नहीं सकता लॉजिकली कि 5500 लड़कियों की वीडियो हो, ये मुझे नहीं लगता। इतने प्रोफेसरों के नाम ले रहा है वो बंदा, वो तो ऐसे कह रहा है कि जैसे सारे जमाने का गुनाह उसी ने किया। जी जी, मेरा नहीं लगता कि इस तरह पब्लिक यूनिवर्सिटीज में वाकयात हो जाते हैं। जी जी, प्राइवेट में भी होते हैं। जी जी, जहां लड़कियां और लड़के और मर्द और औरतें होंगे वहां इस तरह के इंसिडेंट्स अमेरिका में भी होते हैं, बरतानिया। जी जी, लेकिन जिस स्केल का ये कह रहे हैं मुझे यकीन नहीं है। अच्छा, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर। वाइस चांसलर साहब चंद दिन बाद जाने वाले थे, उनके आखिरी हफ्ते में ये स्कैंडल सामने आया। अच्छा, तो ना उनकी एक्सटेंशन हो चुकी ना उनकी द्वारा अपॉइंटमेंट हो चुकी, और जो वाकयात भी वो सुना रहे हैं कि भाई सारे प्रोफेसर इन्वॉल्व थे, सारी लड़कियां इन्वॉल्व थी, ये भी मुझे यकीन नहीं आता। और फिर ये अब सियासी शख्सियात को इन्वॉल्व करने का तारिक बशीर चीमा, मुझे तो ये सारा जो है ये ऐसा ही है कि स्कैंडल में जितना पानी डालते जाएं, कल को वजीर आजम का नाम भी डाल देंगे। तो मेरा ख्याल है कि पहले तो ये चेक करें 5500 लड़कियों से कैसे एक बंदे के तलकात हो सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से वो उसकी वीडियो बना सकता है। ठीक है वो सिक्योरिटी अफसर है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हर एक लड़की पे उसकी दस्तरस्त है। और पहले कैसे नहीं नोट किया गया, किसी ने शिकायत क्यों नहीं लगाई पहले, उस वो पहले नोटिस में क्यों नहीं आया, तो ये बड़े सवाल है उस पर। आपने घर पे मोर भी रखे हुए हैं जी, तो आपको खुद शौक है या बच्चों को या किसी? ये मुझे शौक है। अच्छा, मुझे हर खूबसूरत चीज अच्छी लगती है और आजाद परिंदे अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैंने किसी को वो जो पिंजरों वाले नहीं रखे हुए, मैंने कोशिश की है कबूतर रखूं, मुर्गी रखूं, ये मोर रखूं और खुले फिरे, तो ये सारे परिंदे खुले फिरते हैं। एक डॉग भी है। अच्छा, वो भी मेरा बड़ा फेवरेट है। कौन सा है वो, किस नस्ल? लेब्रा। अच्छा, और कितने अरसे से आपके पास है? 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, तो काफी जी जी लगाओ, जाहिर बात है घर में जो भी पेट रहता है उनके साथ होता है। सुनील साहब, कोई 2-4 वाकया तो हमारे साथ शेयर कर दें, यही एक दिन जियो के साथ वाले, कोई यादगार जो आपको चीजें याद? देखिए एक तो याद है मुझे अकबर भुक्ति साहब का, जब हम करने गए जी, तो जब हम कश्मीर पहुंचे जी, तो हमें पता चला कि भुक्ति और मजारी ट्राइब में लड़ाई हो गई है। अच्छा, और 11 मजारी मारे गए। अच्छा, तो अब रास्ता बंद हो गया। अब हमें रात को वहां पर रेंजर्स थे उनके पास रहना पड़ा। उनको जब हमने बताया कि भाई हमारे कश्मीर में तो कोई होटल भी नहीं है, चुनाचे हम मजबूरन वहां रहे। हमने नवाब साहब से रब्ता किया अकबर भुक्ति से, उन्होंने कहा कि नहीं आज ना आना, रास्ते में कुछ हो जाएगा। सुबह फिर हम पुलिस के दस्ते के साथ डेरा भुक्ति गए, और फिर नवाब भुक्ति साहब से जो डायलॉग हुए वो भी बड़े दिलचस्प थे। वो थोड़े
पंजाबियों के बारे में थोड़ा मजाक का रवैया रखते थे, तो मुझे कहने लगे कि आप पंजाबी बड़े बुजदिल हैं और बड़े ही जो है हर हमलावर जो है आप पे हमला करता रहा है। तो मैंने उनको कहा कि देखें जितने बलोची बहादुर है ना उतने ही पंजाबी बहादुर है, और जितने बलोची बुजदिल हैं उतने ही हम भी बुजदिल हैं, एक जैसे ही हम लोग हैं। और मैंने कहा कि भाई जो सेंट्रल एशिया से लोग आते थे उनके सामने ना बलोच रुके हैं ना हम रुके हैं, हम सारे साथ शामिल होते थे, और आप ईरान वालों के साथ शामिल हो गए हुमायूं के फौज में, हम जो थे महमूद गजनवी की फौज में शामिल हो गए, तो एक जैसा ही हमारा रवैया है। तो मुझे कहने लगे नहीं तारीखी तौर पर भी तुम लोग बड़े बुजदिल हो। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं है, तारीखी तौर पर तो हमारे यहाँ रणजीत सिंह भी था जिसने काबुल भी फतह किया, और हमारे यहाँ जो है वो सिकंदर का मुकाबला करने के लिए भी मौजूद था। तो ये ना कहें मैं क्या, हमारी भी मिसालें मौजूद हैं हर तरह की, तो कई दफा हम झुक भी गए और कई दफा हमने फातहीन के साथ कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया। तो वो मुझे कहने लगे कि यू विन। और इसके अलावा कोई वाकया यादगार वाकया यहाँ के पंजाब के साइड जी? वाकया तो देखें हर एक के साथ ही एक ना एक कहानी है। नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़े वाकयात हैं, वो कोई आप शेयर करें हमारे साथ खास तौर पे? जो भी देखें नवाज शरीफ साहब के साथ तो पहले ये सूरत हाल थी कि मैं उन 15 साफियों में शामिल था कि जिनको वो निकलवाना चाहते थे जंग से, और वो सैफुर रहमान ने मीर शकीलुर रहमान को साहब को कहा और उन्होंने वो टेप कर लिया और वो सारा स्कैंडल सामने आ गया। तो उसमें वो हमारे नाम ले रहे हैं कि जी इनको निकाले हैं इसके। तो फिर ये हुआ कि जब ये जद्दा जलावतन होकर चले गए तो मैं पहला साफी था जिसने जाकर उनका इंटरव्यू किया। अच्छा। फिर मैंने उनपे किताब भी लिखी तो वो फिर बड़ी दोस्ती हो गई। तो इस तरह सबकी कहानियां हैं, मुफ्ती साहब की, शहबाज शरीफ साहब के साथ। शहबाज शरीफ साहब के साथ जब पहली मुलाकात हुई तो वो ये थी कि इंटरव्यू करने गए तो बाकी दो तीन उनके बड़े फेवरेट साफी थे जी। मैं नया था। मैंने उल्टे सीधे सवाल किए, वो अखबार में लीड लग गए, लीड स्टोरी छप गई। तो इस पे शहबाज साहब ने मेरी शिकायत लगाई मीर शकील रहमान को कि इसने ये आपने क्या बंदा भेजा है, उसने उल्टे सीधे सवाल किए हैं। लेकिन मैंने कहा जनाब मैंने तो वो सवाल किए हैं जो लीड स्टोरी छपी है। तो ये इस तरह की जिंदगी ऐसे ही गुजरी है। खान साहब के साथ भी बड़ा, इमरान खान साहब जो है इनके साथ जब मैंने पहला इंटरव्यू किया जो अभी तक उनको याद है कि हम काला बाग गए, रास्ते में एक होटल पे ठहरे, वहां पे हमने होटल में चार पाइयों पे हम लेट गए मैं और इमरान खान, और हमने वहां पे सब्जी और कढ़ाई गोश्त खाया, ठीक है। तो सारा दिन उनके साथ रहे मियां वाली में, तो बड़े वाकयात है। उनके घर भी जाते रहे जब पीटीआई बन रही थी, जब वो क्रिकेटर थे, जब 97 का इलेक्शन हुआ है उस रात भी मैं उनके घर था और मैंने जमायमा का इंटरव्यू किया था वहां उनके घर जाके। तो बड़े वाकयात है, सारी जिंदगी इन वाकयात से ही भरी पड़ी है। लास्ट धमकी कब मिली है आपको? लास्ट धमकी पिछले दौर में, ये अभी यानी ये टेक ओवर करने से पहले जी। और वो किस हवाले से थी? वो भी यही थी कि भाई आप छोड़ दें, ये ग्रुप छोड़ दें, या ये उस वक्त मुझे, मैं एक प्रोग्राम करता था मेरे मुताबिक जी। तो वो कहते थे वो छोड़ दें प्रोग्राम, वो फिर वैसे ही बंद हो गया। अच्छा कभी ऐसे भी हो कि आपके इदारे की तरफ से भी आपको इंस्ट्रक्शन आई हो मीर शकील साहब या किसी के, यार छोड़ ही दो थोड़ा? नहीं नहीं, उनकी तरफ से ये आती है कि कोई ऐसी चीज जो पॉलिसी के खिलाफ हो, किसी पर्सन के खिलाफ हो, खासकर शकील साहब का ये होता है कि हमें किसी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसी पर्सन पर गलत इल्जाम लगा दें, या तो कोई प्रूफ हो, प्रूफ के बगैर किसी के खिलाफ ना लिखे। अच्छा जियो के हवाले से एक बात थोड़ी सी अजीब पाई जाती है सोसाइटी के अंदर। आमतौर पे कोई भी चैनल है ना तो उसका तासुर है कि ये फलां पार्टी के साथ फलां। जियो पे हम देखते हैं कि फुल पीटीआई का सपोर्टर भी बैठा हुआ है एक जगह पे फुल एस्टेब्लिशमेंट के साथ लग रहा है, एक जगह नून लीग का। तो आप कोई एक लाइन नहीं पकड़ते, आप सारा मिक्सचर रखते हैं। हम चाहते हैं कि सब आवाजें आए। जियो का शुरू से ये मोटो है जंग का भी कि इसमें सब आवाजें होनी चाहिए। हम तो परेशान हो जाते हैं अगर कोई बायकॉट करता है हमारा, या हमें लिफ्ट नहीं कराता, या हमें हमारे दरवाजे, हमारे लिए दरवाजे बंद कर देता है। तो हम कोशिश करते हैं उससे सुलह हो जाए।
तो इसलिए जंग में सबकी राय जो है वो छपती है। जिस जमाने में मार्शल ला था, भुट्टो साहब की तस्वीर छापना बंद मना था, उस जमाने में भी हम कहीं छुपा छुपू के उनकी खबर लगा देते थे। तो इसी तरह अब भी अगर पाबंदियां होंगी तो आप देखें इमरान खान की खबर हम ही छापेंगे। अच्छा और शाहिद अफरीदी के साथ जब आपने किया था तो उसमें वो फायरिंग वगैरह और वो चीजें, तो आपको खुद भी शौक है, आपने भी इस तरह के मेरे पास वेपन्स तो हैं वालिद साहब के विरासत में जो मिले हैं, लेकिन मुझे खुद तो डर लगता है सच्ची बात। अच्छा बिल्कुल सेफ हो तो तब भी नहीं किसी के साथ मिलकर भी कभी नहीं, मुझे डर लगता है। अच्छा मुझे तो जब वहां भी गोली चल रही हो तो यहाँ डर लगता है। अच्छा पहाड़ों पे तो नहीं डर लगता, पहाड़ों पे जाते हुए? पहाड़ों पे डर तो नहीं लगता, लेकिन मुश्किल लगता है, इतना कंफर्टेबल नहीं हूं। अब तो बड़ी इजी जिंदगी गुजारने को दिल करता है। ज्यादा वक्त कहाँ पे गुजारते हैं जब फ्री हो तो? वैसे तो ये मेरा ये मेरी जगह है, ये स्टडी है, यही मेरा वक्त गुजरता है। मैं सो के उठता हूँ तो सीधा यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ अखबारें पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, ये मोबाइल अब एक बहुत बड़ी मसरूफियत हो गई है, कई घंटे इस पे लग जाते हैं। मोबाइल पे ज्यादा वक्त कहाँ पे गुजारते हैं? फेसबुक यूट्यूब या इंस्टाग्राम सारा कुछ देखता हूँ मैं। सबसे ज्यादा टाइम किस पे गुजरता है आपका, ट्विटर पे या फेसबुक पे? ज्यादा फेसबुक पे, वीडियोस वगैरह देखने में, वीडियोस देखने। और रैंडमली कुछ भी देखते हैं? रैंडमली सब जो कुछ आया होता है सब। अच्छा, ढूंढ के नहीं देखते कि मुझे आज ये चीज देखनी? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ देखता हूँ, मिक्स चीजें आ रही होती है सब चीजें देखता हूँ। फेवरेट मूवी कौन सी आपकी? फेवरेट मूवीज अब तो बड़ा अरसा हो गया नहीं देखा, लेकिन इंडियन मूवीज बड़ी फेवरेट रही हैं, पाकिस्तानी मूवीज भी बहुत देखी हैं, एक जमाने में तो बहुत रेगुलर देखते थे, तो अब चूंकि अच्छी आती नहीं है, अब रुझान भी खत्म हो गया, वीसीआर भी खत्म हो गया, अब मोबाइल पे सब कुछ मिल जाता है। तो लास्ट टाइम कब गए थे आप सिनेमा? नहीं सिनेमा अभी भी मैं थोड़ा अरसा पहले ये देखी है मैंने, मौला चड्ढा जी, वो तो बहुत ही फेमस थी, वो देखी है सबने जाके देखी। और कोई कॉन्सर्ट वगैरह लास्ट आपने कब सुना लाइव शौक से जाके? कॉन्सर्ट नहीं देखा। अच्छा बड़ा अरसा हो गया। वैसे लाइव आपने नुसरत फतेह अली खान को? हाँ नुसरत भी सुना है, गुलाम अली साहब सुने हैं, राहत फतेह अली खान सुने हैं, बहुत सारे लोगों को लाइव सुना है। फेवरेट गाना कौन सा आपका? सानू नहर वाले पुल से बुला के परे भाई किथे रह गए। खुद भी गुनगुनाते हैं कभी? नहीं गुनगुनाता नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे दो चार ही गाने याद है। अच्छा तो जैसे ये वाला है जी। तो जहां जाता हूँ यही फरमाइश करता हूँ। अच्छा और कौन सा याद है? और भी नूर जहां के याद है, वो कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना जी जी। कोई सराइकी गाना भी याद है आपको? सराइकी सुना हो आपने? वो जो है पेट्रोल मैं पवानी शिकार किया कभी आपने? नहीं। किसी के इंटरव्यू के दौरान आप किसी ऐसे? शिकारियों के साथ गया हूँ, मुमताज भुट्टो साहब ने शिकार किया उसके साथ गया, और भी एक दो दफा शिकार में साथ रहा हूँ, उनकी वीडियो बनाई है, लेकिन खुद मुझे शौक नहीं है। चौलिस्तान देखा आपने? डेजर्ट बहावलपुर से आगे देखा। मेरा असल गांव वो है, वहां पे आज भी बिजली नहीं हमारे। जी 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 मैं गया हूँ चौलिस्तान में, रात गुजारी है मैंने। अच्छा वो तो सर्दी में गुजारने वाली होती है वहां पे, तो बाहर आग के भांबड़ बन रहे थे। जी जी बिल्कुल। और खाना खाया वहां? अच्छा क्या खाया था कुछ याद है? गोश्त ही होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो आपको पता है गोश्त ही खाते हैं। और खाने तो आपका बहुत मशहूर है कि आप बहुत ही शौकीन है। हाँ जी खानों का शौकीन हूँ। कोई ऐसा इंटरव्यू भी था जिसमें कोई खाना अच्छा नहीं था या कम खाना? एक्ट्रेसों के जो खाने होते हैं उसमें कम ही हमें खाना वो सर्व करते हैं, उसमें यूजली हम खुद ही अरेंज करते हैं। अच्छा बाकी जो पॉलिटिशियन है वो तो बेचारे बड़ी खिदमत करते हैं। खिदमत करते हैं। अच्छा इनका जो खाना होता है वो भी आप की तरफ से अरेंज होता है? कई दफा हमें करना पड़ता है। अच्छा अगर वो ना करें तो फिर जाहिर है हमें ही करना होता। बीच फिल्टरी में तो सारा खाना खाना तो खाना पड़ता। तो इसमें कोई याद है आपको कि कौन सी एक्ट्रेस को कि जहाँ पे आपने? मुनासिब नहीं है नाम लेना,
वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक्ट्रेसों में रिवाज नहीं है खाना देने का, बहुत कम में रिवाज है। और पॉलिटिशियन ये क्रिकेटर्स वगैरह नहीं, क्रिकेटर्स ख्याल करते हैं, क्रिकेटर्स ख्याल करते हैं, बाकी सारे तबके ख्याल करते हैं। असल में एक्ट्रेसेस जो है ना वो उनका अंदाज ही मुख्तलिफ है, उनके पास जो रिपोर्टर भी जाते हैं वो भी और तरह से बेचारे घंटों वेट करते हैं, ठीक है, जबकि पॉलिटिशियन बेचारे तो आपके जाने से पहले तैयार होकर बैठे होते हैं, ये फर्क है। और ये जो एक्ट्रेसेस वगैरह ये सब चार्ज भी करती हैं या आप कुछ इंटरव्यू आपको फ्री में? नहीं, हम तो अपने प्रोग्राम में नहीं देते, मेरा ख्याल कोई एक दफा दिया है किसी को, वो भी कोई मजबूरी थी, अच्छा, तो अदरवाइज नहीं, हम अपने प्रोग्राम ही इतना बड़ा है, ऑलरेडी इतना बड़ा प्रोग्राम है, प्रोग्राम में नहीं देते, लेकिन हमारे कई प्रोग्रामों में शायद दिया भी जाता है, लेकिन नॉट इन एक दिन जियो के साथ, कोई हमारा बजट नहीं है। अच्छा, आपके एक दिन जियो के साथ का कोई बजट नहीं है इस हवाले से? इस हवाले से। अच्छा, कोई ऐसा गेस्ट जिससे टाइम लेने में बहुत मुश्किल हुई हो या वो बड़ी मुश्किल से आपका हुआ हो? नहीं, हो जाता है इस तरह, कई कई दफा जेन्युइन भी लोगों की मजबूरियां होती हैं, कई दफा कई लोग कुतराते भी हैं कि हमने नहीं देना, ठीक है, तो लेकिन हम लगे रहते हैं, फिर कभी ना कभी काबू आ जाता है। और कोई ऐसा इंटरव्यू भी जिसमें आप बद दिल होकर गए हो, आपका दिल ना हो इंटरव्यू पे लेकिन टीम ने अरेंज किया हो कि ये? वो कई दफा इस बात पर हो जाता है कि पहले ही हम ये तय कर लेते हैं किसका करना है किसका नहीं करना, ठीक है, उसकी वजह यह है कि फिर अगर अच्छे उस लेवल की पर्सनैलिटी ना हो तो फिर दुख देखते भी नहीं है, तो इसलिए ऐसा शख्स ही चुनते हैं जिसको लोग देखें जिसमें कोई इंटरेस्ट हो। सर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू आफिस साहब, बड़ी मेरे लिए बड़ा मजा आया, और मेरे लिए बड़ा मजा आया, मैं खुद आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू, क्योंकि आपको मैं देखता रहता हूँ ऑन नेट और देखता रहता हूँ कि आप लोगों से बड़े खुश असलूबी से खुश दिली से हंसते हंसते सारी बातें कर लेते हैं, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी मेरे लिए, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और आज मुझे काफी मुश्किल भी रही है इंटरव्यू करने में, मैं सवाल भी सही थे, जाहिर बात है आप उस्तादों के उस्ताद के सामने बैठे हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बड़ा मजा आया। लास्ट पे आप कोई पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस के? देखिए, सब पैगाम यही है कि जो अभी इस वक्त बड़ा मायूसी के दिन है, हमारी इकोनॉमिक और पोलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान इससे निकले और हम एक ऐसे आइडियल जमहूरी मुआशरे की तरफ जाए जहाँ सब लोगों को हकूक हो और आजादी इजहार हो, तरक्की हो, बच्चों के लिए मौके हो, बस यही दुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।